सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी अलग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग पार्शियल पेमेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप पार्शियल पेमेंट करते हैं तो वहां पर आप कैसे सेटलमेंट करेंगे, साथ ही मान लीजिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों को डिस्काउंट भी देना पड़ सकता है तो वो आप कैसे करेंगे, और इसमें आप लोगों को बैकअप कैसे लेते हैं वो भी समझ में आएगा, साथ ही अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे वो भी समझेंगे, और यहां पर एक नया पॉइंट भी सीखेंगे अगर मान लीजिए आप कोई खर्चा कर रहे हैं और वहां पर खर्चा जो है आप लोगों का बट रहा है कई पार्टीशन में तो वो आप कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी कुछ नया आप लोगों को इन पॉइंट्स में सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, शिक्षार्थी ट्रेडर्स को हम लोगों को चेक को पेमेंट करना है, चेक से पेमेंट करना है और वो 1 जुलाई को हमें पेमेंट करना है और 80% अमाउंट उसको देना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा वाउचर पर और यहां पर आप लोगों को पेमेंट एंट्री करनी है। सबसे पहले आप डालिए डेट, तो यहां पर डेट आएगी 1 जुलाई। 1 जुलाई डेट डालने के बाद आपको यहां पर शिक्षार्थी ट्रेडर्स दिख रहा है जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसका बैलेंस आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसका जो बैलेंस है वो आपको पूरा पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 80% अमाउंट पे करना है। तो 80% अमाउंट के लिए आप लोग यहां पे प्रेस करेंगे Alt C और Alt C प्रेस करने के बाद 203126 आप लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और 80% लिखते ही जैसे आप ये एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो वहां चला जाएगा। उसके बाद आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, किसी बिल्स के अगेंस्ट में पेमेंट करना है क्योंकि लास्ट बिल यही बना हुआ था, और आप एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए आपका एंट्री कंप्लीट होने वाला है। अब यहां पर जो पेमेंट है वो आप SBI से कर रहे हैं तो यहां पर आप SBI ले लीजिए, और जैसे ही आपने SBI लिया तो आपका नेक्स्ट चेक नंबर जो भी होगा SBI का वो ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा। तो एंटर प्रेस करिए और ये दीजिए, आपका काम हो गया। नेक्स्ट दोस्तों देखिए यहां पर आ रहा है 95% दिव्यांश इंडस्ट्री को पेमेंट करना है। यहां पर पेमेंट पूरी नहीं करनी, 95% करनी है और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ करनी है, यानी कि उसका पूरा का पूरा बिल आपको हिसाब किताब चुट्टा करना है और यहां पर 5% का उसको डिस्काउंट भी देना है। तो यहां पर आपको तो सबसे पहले हम लोग यहां पर F2 से डेट डाल देते हैं जो कि है हमारे पास 1/7। तो 1/7 हमने डेट डाल दी, 1/7 मतलब 1.7, ओके। तो यहां पर हमने 1/7 डेट डाल दी है। उसके बाद आप लोग यहां पे दिव्यांश इंडस्ट्री को सिलेक्ट करिए और इसका बैलेंस है 3,24,000 रुपए, क्योंकि सेटलमेंट तो करना है लेकिन पूरा का पूरा सेटलमेंट नहीं करना है। अब दोस्तों क्योंकि दिव्यांश इंडस्ट्री का कोई बैलेंस नहीं था तो इसे हमें ऑन अकाउंट में ही सेटल करना है। सिंपली एंटरप्राइज करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पर क्रेडिट में क्या लेंगे, तो क्रेडिट में आप लोग को बैंक सिलेक्ट करना है जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट, लेकिन बैंक कौन सा है, HDFC। तो यहां पर आप HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका जो अमाउंट है वो 3,24,000 रुपए नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 95% बिल की सेटलमेंट करनी है, पेमेंट करनी है और बाकी जो है 5% का आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। सिंपली यहां पर आइए और ऑल सी प्रेस करिए और जैसे आप ये करेंगे उसके बाद 3,24,000 रुपए आपको यहां लिखना है, उसके बाद इनटू करना है 95%, और जैसे ही आप ये करेंगे एंटर प्रेस करते ही आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद आपका चेक नंबर ऑटोमेटिक यूज हो जाएगा और अब यहां पर आपको क्रेडिट करना है डिस्काउंट का लेजर। तो यहां पर डिस्काउंट का कोई लेजर आपके पास नहीं है तो आप डिस्काउंट रिसीव का एक नया लेजर क्रिएट कर लीजिए क्योंकि आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है वाइल पेमेंट। तो यहां पर आपको उसे इनडायरेक्ट इनकम रखना है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने कर लिया है। कंट्रोल ए प्रेस करिए और 16,200 रुपए का जो आपको डिस्काउंट रिसीव हो चुका है इस ट्रांजेक्शन के अंदर, यानी पेमेंट करते समय आपको 5% का डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका जिससे आप लोगों ने क्या किया, पेमेंट किया है। और दोस्तों अब बात करते हैं बैकअप की, कंपनी का बैकअप आपको कैसे लेना है। बैकअप लेने का सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टेली पर आइए, ऑल्ट वाई प्रेस करिए, यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है बैकअप का, इस ऑप्शन पे चले जाइए और जैसे ही आप बैकअप पर जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि डेस्टिनेशन जो आप लोग ले रहे हैं बैकअप का वो कहां पर है। तो हमने कहा यहां पर बैकअप का डेस्टिनेशन है और इस बैकअप को हम लेंगे कहां पर वो हम बताएंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, अभिषेक गारमेंट को सिलेक्ट करना है और इसका बैकअप आप लोगों को किस लोकेशन पर लेना है वो भी आप बता सकते हैं। लेट सपोज मैंने अभिषेक गारमेंट का जो बैकअप है वो अभी आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊपर फोल्डर आ रहा है वो आ रहा है बैकअप का डेस्टिनेशन पाथ, यानी इस लोकेशन पर आपका बैकअप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट आप लोगों को किसी और लोकेशन पर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहां बैकअप का डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। तो मेरा बैकअप का लोकेशन यहां पर आ रहा है F Alt
शॉर्टकट्स ऑफ टेलीप्राइम, इसके अंदर मैं ले रहा हूं। लेकिन मेरी कंपनीज जो बनी हुई है वो एफ टेलीप्राइम डेटा के अंदर बनी हुई है, तो सारी कंपनीज मेरी यहां है और मेरा जो बैकअप है वो यहां पर है। ये बाय डिफॉल्ट मैंने कंपनी के अंदर सेट कर रखा था जब मैंने कंपनी बनाई थी, तो आप भी कर सकते हैं या आप चाहे तो डेस्टिनेशन पाथ अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बैकअप लेंगे और एंड ऑफ लिस्ट करके आपका बैकअप उस जगह पर आ जाएगा। एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं और ये बैकअप उस जगह पर पहुंच चुका है। आप देखना चाहेंगे तो बैकअप होता है एक zip फॉर्मेट में, मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगर आप देखें तो यहां पर बैकअप दिखाई दे रहे जो कि zip फॉर्मेट में है, तो zip फॉर्मेट में आपको बैकअप मिल जाएगा और फिर से बाद में आप चाहे तो रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोग का इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, बेसिकली हमें इन्वेस्ट करना है 156,000 रुपए शेयर्स के अंदर और वो भी कैश के थ्रू। तो लेट्स सी इस एंट्री को आप कहां करने वाले हैं, आपको पता होगा मैंने पहले ही बता चुका हूं। तो यहां पर इस एंट्री को आप जर्नल में करने वाले हैं क्योंकि ये ट्रांजेक्शन ऐसी है जो आप कभी कभी करेंगे, रोज नहीं करने वाले। तो इस एंट्री को आप जर्नल में करेंगे और जर्नल में ये ट्रांजेक्शन की डेट आपकी क्या है, लेट्स सपोज यहां पर आपको डेट दी है 1 जुलाई, तो आप डाल दीजिए। और यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है शेयर्स के अंदर, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का जो लेजर है अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप बना लीजिए, ऑल सी करिए। और यहां पर आपको 9% शेयर्स इन बी लिमिटेड का लेजर जो है क्रिएट कर लेना है जो कि आपका एक इन्वेस्टमेंट है, तो आप यहां पर इन्वेस्टमेंट को पिकअप कर लीजिए, दैट्स इट। और कंट्रोल ए प्रेस करिए और उसके बाद आपको यहां पर बताना है 1,56,000 जो कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और यहां पर कैश ले लीजिए, दैट्स इट। जर्नल में एंट्री हो चुकी है, दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो कि आप लोगों को यहां पर बांटना भी है। और यहां ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपको एक्सपेंसेस को बाइफ्रिकेट करना है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। जी हाँ, कंपनी के अंदर अगर आप कॉस्ट सेंटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस की। तो यहां पर अभी आपको क्लासिफिकेशन करनी है अपने एक्सपेंसेस की, तो लेट्स सी कैसे करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले F11 प्रेस करना होगा। F11 प्रेस करके यहां पर आप लोगों को जाना होगा कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन पर। आप देख रहे हैं यहां पर अनेबल कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे यस करिए और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आप लोग अपने टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर का यूज कर पाएंगे। तो अब देखिए कैसे होगी ट्रांजेक्शन। इसके लिए आपको करना है सिंपल सी एक ट्रांजेक्शन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की जो कि आप करेंगे वाउचर में जाकर पेमेंट एंट्री में। और यहां पर हम लोग एक पेमेंट एंट्री मारने वाले हैं, तो यहां पर पेमेंट एंट्री कौन सी डेट को हो रही है, 1 जुलाई को, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग डेट डालेंगे 1 जुलाई, उसके बाद ऑल सी करके यहां पर एक लेजर बनाना पड़ेगा हम लोग को और वो लेजर कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो हम लोग यहां पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट चाहिए होगा जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर। वो पॉइंट आपको अगर दिखाई ना दे आपकी स्क्रीन पर तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको कॉस्ट सेंटर का फीचर दिखना चाहिए अगर आपको उसे इनेबल करना है, और अगर आपको उसे डीएक्टिवेट भी करना है तो आपको देखना तो पड़ेगा। तो ये अगर लेजर में आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको यहां पर F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, इस ऑप्शन को यस करिए तब वो ऑप्शन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए इसने बाय डिफॉल्ट इस ऑप्शन को यस कर दिया है, तो ध्यान रखिए अगर आपको बंद भी करना है तो उसी ऑप्शन को यस करके ही आप बंद कर सकते हैं, अदरवाइज आप बंद नहीं कर सकते। तो ये बहुत ध्यान से, इसीलिए आप इस ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, चाहे भले आपको इसे नो रखना हो लेकिन नो रखने के लिए भी आप लोगों से खोलना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर अभी तो मुझे यस करना है लेकिन हर लेजर में ये बाय डिफॉल्ट यस हो जाएगा अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे या इनकम लेंगे, तो इसलिए आप लोगों को नो रखना पड़ेगा यहां पर। तो लेट्स सी, हमारा अमाउंट है 3,25,000 रुपए का और जैसे ही आप ये करेंगे एंटर प्रेस करते ही आपको कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन खुला हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आप ऑल सी करके ये सारे के सारे बना लीजिए, जैसे कि साउथ दिल्ली, तो मैंने बना दिया है साउथ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली में अमाउंट 1,23,000 रुपए है, उसके बाद ऑल सी प्रेस करिए और रिमेनिंग अमाउंट जो बच गया आपका ईस्ट दिल्ली के अंदर आ जाएगा। तो ईस्ट दिल्ली यहां पर ले लीजिए और ईस्ट दिल्ली के अंदर जो अमाउंट है वो वहां पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट करनी है, और पेमेंट किससे कर रहे हैं आप, चेक से, तो आप एक ही चेक देने वाले हैं इस पूरे ट्रांजेक्शन के लिए, तो आप यहां पर SBI का चेक ले सकते हैं क्योंकि ये जो सीरीज है वो SBI की है। तो पूरे ट्रांजेक्शन के लिए आप एक चेक इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए आपकी एंट्री कंप्लीट हुई। तो दोस्तों इस तरीके से आपने कुछ एंट्रीज पास की और आपने अपना काम कंप्लीट किया, और ये थी वो एंट्री जिससे आपको काफी मदद मिल सकती है।
अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है जीएसटी। तो आई थिंक सो नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है और भी, और अमेजिंग सीखेंगे क्योंकि जीएसटी के नए फीचर्स आ चुके हैं आपकी नई रिलीज में, और नए फीचर्स के साथ आप जीएसटी का काम अब टैली के अंदर कैसे करेंगे वो भी आप सीखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग वीडियो को खत्म करें और आप लोगों को सबसे पहले बैलेंस शीट को दिखा देते हैं। तो बैलेंस शीट पर चलिए और ऑल्ट एफ वन करिए और ये देखिए आप लोगों की करंट बैलेंस शीट की जो स्थिति है वो ये आ रही है यहां तक का काम करने के बाद। अभी अगर आपने यहां तक का काम कर लिया है और आप अपनी करंट बैलेंस शीट देखना चाहते हैं तो ये बैलेंस शीट आप लोग की शो रही है। तो उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कैंडिडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैथ।